मैं डॉक्टर एसबी मिश्रा, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय करमली हाता। 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना और बधाइयाँ देना चाहूँगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर हमारी संस्था की ओर से, हमारे ग्रामवासियों की ओर से और पूरे नवोदय विद्यालय की जो व्यवस्था है उसकी ओर से अपने तमाम छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को एवं देशवासियों को, और आशा करूंगा कि ये गणतंत्र दिवस पिछली सारी समस्याओं से आज़ादी दिलावे हम लोगों को। और मुझे उम्मीद है वे सभी स्वर्गस्थ आत्माएं जिनकी कुर्बानियों की बदौलत ये दिन हम लोगों को देखने को मिलता है, और वे सभी विवेकी बुद्धिमान बौद्धिक पुरुष जिन्होंने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस निश्चित किया, उन सब के प्रति हम अपनी संस्था की ओर से और व्यक्तिगत तौर पर कृतज्ञता भी ज्ञापन करना चाहेंगे, उन्हें स्मरण करना चाहेंगे और तमाम देशवासियों को ये शुभकामना देना चाहेंगे और आशा करेंगे कि तमाम जो पिछली विशेष करके कोविड-19 जिसने पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है उससे हम लोग निजात पाएं और आत्मावलोकन करें। सबसे जरूरी है कि हम आत्मावलोकन करें कि हम लोगों से कहाँ चूके हुई हैं, कहाँ हम लोग डिरेल हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, और इस गणतंत्र दिवस पर हम लोग एक विशेष संकल्प लें कि हम अपने अपने स्तर से अपने अपने जो दिए गए कार्य हैं, जो हमारी ड्यूटी है, जिस स्तर पर हम हैं, चाहे हम विद्यार्थी हैं, प्राचार्य हैं, शिक्षक हैं, एक किसान भी हैं इवन, हर स्तर से हम अपना जो कर्तव्य है उसको ठीक से निभावें। मेरे ख्याल से इस दिवस पर हम सभी आइए सब मिलजुल कर संकल्प लें। एक बार पुनः आप सबको 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।